इटली वालों का सी पर उन्होंने किसी प्रॉब्लम करके जो कह रहे थे 20-25 मिनट मैं लेट आवांगा सो वो बाद विच आ गया। हुण मैं बेनती करता हाँ साडे हरभजन सिंह जी बुट्टर क्रांतिकारी यूनियन उन्होंने मैं अगे बेनती करता हाँ वो कृपा करके स्टेज पर आ करके अपने विचार पेश कर। हरभजन सिंह जी बुट्टर क्रांतिकारी यूनियन इन्हों का समा 5 मिनट है, आओ जी। अगले बुलारे सरदार हरनेक सिंह जी सीनियर प्रधान राज्यवाल यूनियन उन्हों का भी समा है, वह भी तैयार रहन। सरदार हरनेक सिंह जी सीनियर प्रधान राज्यवाल यूनियन उन्हों तो अगे जो समा है जो कविता है निर्मल सिंह जी बत्ता उन्हों का भी 3 मिनट का समा है, कविता पेश करनगे। हरभजन सिंह बुट्टर वारे ने उन्हों तो अगे मैं बेनती करता हाँ। हरनेक सिंह जी सीनियर प्रधान राज्यवाल यूनियन वो आ करके अपने विचार पेश कर। हरनेक सिंह जी प्रधान साहब सत्कारयोग किसान वीरो बीबीओ बजुर्गो फतेह सांझी करो, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। लंबे समय तो दिल्ली दे विच आपां संघर्ष कर रहे हैं, कई हालात बदले ने, अज असी बड़े सहज दे विच शांतमई और वधिया तरीके नाल इस एजिटेशन नूं कर रहे हैं। सरकार बड़ी दबाव थल्ले है, दबाव थल्ले इतों नज़र आता है भाई सरकार दी बीजेपी पार्टी दे आगू हरियाणा पंजाब यूपी ते केंद्र दे मंत्री एक मीटिंग दे विच मंथन कर रहे ने तुहाडे धरने दा। जे तुसी कहो भी गलबात टुटी पई है, तुसी तां चढ़दी कला चों पर उन्हां नूं नींद नहीं आ रही जिहड़े तुहाडी विरोधता दे विच तुहानूं अत्तवादी फलाना धमका दस रहे ने। नवीं नवीं डिक्शनरी दे विचों शब्द लभदे ने जां ओह शब्द जो किसे डिक्शनरी दे विचों ही नहीं ओह तुहानूं फतवा दिता जांदा है। बुद्धिजीवी तां आपां कहिंदे आ उन्हां दे विच कोई है ही नहीं है। जे बुद्धिजीवी हुंदे तां देश दे अन्नदाता नूं पैरासाइट जां अपने अंदोलन जीवी ये शब्द तुहाडे ते ना वरतदे। पैरासाइट मैं कहना भी ये अज दी सरकार पैरासाइट है। किवें ये अमर वेल है, एक जिहड़ी अमर वेल हुंदी है बजुर्गां नूं पता है शायद बहुतिया ने ना देखी होवे, वो हरे भरे दरख्त ते चढ़ जाती है ते उपर विसदी रहिंदी है, उहदी कोई जड़ नहीं हुंदी, वो उस बूटे दे विच्चों ही खुराक लैके अपनू वधाउंदी रहिंदी है ते अखीर उस बूटे नूं मार दिंदी है ते आप भी सुक जाती है। सो मैं कहना ये इन्हां दा दिमाग खराब होया है, ये अज उस अमरवेल की स्थिति दे विच ने। हरिया बूटा देश का किसान है, जिथों सारा कुछ पैदा हो के हर एक नूं डिवेलपमेंट का राह मिलता,
ਇਹ ਅਮਰ ਵੇਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਆ ਦੂਜੀ ਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਫੈਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਰੂਪੀ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਅਮਰ ਵੇਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂੰ, ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਮਰ ਜੂੰ ਭਰਾਵੋ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਮਰ ਵੇਲ ਵਧਣਾ ਫੁੱਲਣਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਦੇਸ਼ ਡੁੱਬ ਜੂਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲੇ, ਚੰਗੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਵਾਲੇ, ਚੰਗੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਰੂਪ, ਕਾਇਰ, ਡਰਪੋਕ, ਬੇਈਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਖੀਰ ਸੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸੱਚ ਦਾ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸੱਚਾਈ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਚਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਬਈ ਇੱਕ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਵਸਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਰੂਟ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਉਹ ਰੂਟ ਸਾਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰੂਟ 'ਤੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਗਿਆ ਉਸ ਰੂਟ 'ਤੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਵਰਸਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ, ਗੇਟ ਲਾਏ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਥਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਫਰੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਕੌਣ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਹੱਥ ਕੰਡਾ ਵਰਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਟੀਕਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਈ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ BJP ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਜਿਟ ਕੀਤੀ, ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਾਂਗੇ, ਹਰ ਥਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ BJP ਵਾਲੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਦਿਨ ਪੁਰ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਬਈ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ 5-10 ਬੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਵਰੇਜ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹਾੜੀ ਦਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮਕਾਰ ਹੈ ਖੇਤੀ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਲੋਕ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਸੋ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ,
सरकार जिन्ना मर्जी इस मोर्चे नूं लम्मा करके ये आपदा भरम पाल रही है बई इस अंदोलन असीं लम्मा करके कमजोर कर दांगे। दो विषयां ते दो पॉइंटां ते सोच रही है सरकार। एक अगला जिहड़ा सीजन है बई उह कम दा लोकां दी गिणती घट जाएगी और दूजा जिन्ना लम्मा कर लवांगे उन्ना फाइनैंशली तौर ते इन्हां लोकां नूं औकड़ आएगी खर्चे दी। पर इन्हां नूं सरकार नूं असीं दस दईए ये औकड़ां तां जे तुसीं पंज साल भी इत्थे साडा अंदोलन चलदा रहे तां भी इन्हां दी असीं पूर्ती करदे रहांगे। सानूं गुरु नानक ने उपदेश दित्ता भुखे नूं अनाज देण दा ते तिहाए नूं पानी पिआउण दा। ये जिहड़ा गुरु नानक देव दा संदेश है वह साडे पंजाबियां दे विच लहू दे तुबके तुबके दे विच बसिया होया है। इहनू असीं कदे भी इत्थे कदे लंगर दी तोट नहीं आएगी। सो अज जिहड़ियां होर घटनावां होण दी सानूं शंका लगदा है वह भी यही लगदा है बई तुहाडे जिहड़ी शांतमई अंदोलन नूं होर किसे तरीके दे नाल इह बदनाम ना करन इहदे ते तुसीं चौकसी रखनी है। अज हरियाणे दे विच पंजाब दे विच यूपी दे विच सारी जगह ते जिहड़ियां पंचायतां हो रही ने तुहाडे हक दे विच भावें साडा जिहड़ा संयुक्त मोर्चा है उन्हें फैसला लिया भी पंजाब हरियाणे दे विच पंचायतां ना होण तां कि जिहड़े लोग उत्थे आपदा टाइम कढ़दे ने वो आके दिल्ली आण। पर फिर भी पिछलियां नूं जागरूक करन वास्ते सानूं भावें नुक्कड़ मीटिंगां करिए चाहे पिंडां दे विच मार्च कढ़ीए चाहे पिंड पिंड दी दो दो पिंडां दी आपदे तौर ते पंचायत करिए सारियां बीबियां दी भरावां दी ड्यूटी लाइए बई इत्थे दा जिहड़ा इकट्ठ है वह प्लैनिंग दे नाल बराबर बराबर चलदा रहे। सो जो सरकार ने ये कानूनां ते तुहानूं कहा बई इहनूं असीं अमेंडमेंट तैयार करन नूं अज भी उहदे ते भावें कुछ कारवाइयां सुनन च आउंदियां ने भी सरकार दियां चलदियां ने ते उन्होंने अजे अपना वो पैंतड़ा जारी रखिया भी तुसीं पिंडां दे विच जा के किसे तरीके दे नाल जा सोशल मीडिया दे नाल ये प्रचार करो भी ये जिहड़े बिल ने ये तुहाडे हक च ने। पर बेकार है उन्हां दा ये कहना। लोग सारे भाईचारे समझ चुके ने अज ये कल्ला खेती करन वालियां दा अंदोलन नहीं है कंज्यूमर नूं मार पैण वाली है हरेक खपतकार नूं इहदे उत्ते बहुत वड्डा नुकसान होण वाला है। इत्थों तक करके जिहड़ा अगले पंज सालां तों बाद इत्थे दा सारा जिहड़ा सिस्टम है अगर ये कानून लागू हो जांदे ने तां विदेशां वाला हो जाएगा। विदेशां दे विच ये जिहड़ा कानून है ये बिल्कुल कसिया पेटिया कसून है कानून है फेल होया होया कानून है। मैं देखिया कनेडा दे विच जिहड़े उत्थे दे वड्डे किसान ने दस दस हज़ार एकड़ दे कणकां नूं कढ़ के एक पाइप रूप उन्हां दियां वड्डे स्टोर बने ने प्लास्टिक दे प्रेशर दे नाल उहदे विच कणक भर दिंदे ने कणक दे करचियां दे विच ਉਹ ਟਨਾਂ ਦੀ ਟਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੰਮੀ ਪਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਦਾ ਸਟੋਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਆਵੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚੀਏ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੋ ਦੋ ਚਾਰ ਚਾਰ ਏਕੜ ਵਾਲੇ
इन्हों स्टॉक करके अपने खर्चे किमें चलावे। फिर जे अंबानी अडानी खरीदे दो साल MSP ते खरीद लेंगे जा थोड़ा मोटा पैसा उस तो बद दे देंगे, वो तो बाद फिर इन्होंने जड़ा खरीद करनी है अपने गजा के नाल नापना है। जिमें कहने होंगे ने सत्ते सकते दा सत्ती भी सौ, वो गल साडे नाल होनी है। जे सकता कहे भी नहीं जी पंज बीहां दा सौ नहीं हुंदा, सत्तां बीहां दा सौ हुंदा, तां वो भी सानू जिहड़ा माड़ा बंदा हुंदा उहनू मनणा पैंदा है। सो ये अन्याय है साडे नाल। साडे जिहड़े इस मोर्चे दे आगू ने वो सारे मीटिंगां करदे रहिंदे ने, हर रोज़ कोई ना कोई अपनी पॉलिसी चेंज करते रहते हैं, तो आपां अपने आगुआ ते पूर्ण विश्वास रखना है। मैं तो पहला एक स्टेज तो कहा गया सी भी इत्थे बहुत सारे लोग वो ने जिहड़े बेसिकली पहला किसी जथेबंदी दे नाल नहीं जुड़े हुए सी, पर इन्हां कानूनां नूं पढ़ के किसान जथेबंदियां दी आवाज़ बन के इत्थे आए ने। उन्हां दे विच नौजवान वीर भी बहुत गिणती दे विच ने, पर मैं एक बेनती करांगा उन्हां नौजवान वीरां नूं भई तुसीं जिहड़े किसान आगू जिन्हां ने 60-60 साल 50-50 साल दा तजर्बा है अपना एजिटेशन लड़न दा, उन्हां दे विचार दे नाल तुसीं अपना विचार रख के नाल चलो। ये एजिटेशन तुहाडी जित होएगी और तुहाडी जित दे विच तुहाडे पैर चुमेगी। अगर तुसीं नौजवान वीर जोश दे नाल होश नहीं रखणगे तां एक गलती दा खमियाजा असीं भुगत रहे हां, सानू सरकार बदनाम कर रही है। असीं हुण इन्ना पीसफुली बना लिया, साडे वलंटियर हर बंदे नूं जानकारी दिंदे ने। सो अज असीं फिर उस स्टेज तो वध अगे चढ़दी कला दे विच आ और सरकार दे नाल लड़दे रहांगे। ये कानून जिहड़े तिन्ने ने इन्हां नूं जद तक वापस नहीं हुंदे उदों तक असीं चढ़दी कला दे नाल इस एजिटेशन नूं चलाउंदे रहांगे। सो इन्ना कहिंदा होया फिर आप जी नूं अपील करदा कि आपदे पिंडां दे विच सुनेहा दिओ, गिणती नूं वधाओ और संजम दे नाल ठरमे दे नाल इस अंदोलन नूं चलाइए। इन्ना कहिंदा होया खिमा दा जाचका, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।